स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट ईयर 15-16 के हिसाब से जो कैपिटल गेन में चेंजेस हैं उनको स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला चेंज है वो ये है कि जो हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज होगा इस फाइनेंशियल ईयर 14-15 यानी असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए, दैट इज 1024। इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है। सपोज क्वेश्चन कहता है, एक हाउस प्रॉपर्टी आपने करंट ईयर में बेची 80 लाख में, जो आपने कभी ली थी 5 लाख में बहुत पहले 1980 में। तो ऐसे में आपको मालूम ही है कि हम 1481 की वैल्यू को लेकर इंडेक्स करते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो हमें सेल प्राइस, या इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गई क्वेश्चन में 80 लाख, राइट। जहां तक सवाल है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, वो हो गई हमारी 6 लाख, देन मल्टीप्लाइड बाय द लेटेस्ट इंडेक्स विच इज 1024 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, 6 लाख इंटू 1024 डिवाइडेड बाय 100, इट इज कमिंग टू 61,44,000। ठीक है, तो दैट मींस माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन is 18,56,000। बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैंने एक करके दिखा दिया। मींस नाउ अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो कैलकुलेशन होगी उसमें आपको जो इंडेक्स है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द लेटेस्ट ईयर वो 1024 लेके सॉल्व करना है। तो ये एक माइनर सा चेंज है। अच्छा, इसके अलावा इस साल एक नया चेंज ये आया है कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स थी लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, जिसमें 12 महीने तक शॉर्ट टर्म मानते थे, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। अब इस लिस्ट में एक चेंज आया है। चेंज आया है कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर अब सिर्फ लिस्टेड होंगे तो 12 महीने है, नहीं तो 36 महीने कर दिया उसको। इसी तरह से जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं उसमें भी पहले क्या था कि चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, लिस्टेड का तो खैर अभी भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन यह है कि अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स और एक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो जो 12 महीने का पीरियड अब लेटेस्ट प्रोविजंस आया है उसके हिसाब से सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर अवेलेबल है। ठीक है, सो एक बार आप इस लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले यानी मैं आप क्या पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कि अब कौन कौन सी ऐसी असेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म असेट्स बन जाएंगी आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है, 12 महीने के बाद कौन सी एसेट्स लॉन्ग टर्म मानी जाएंगे, दैट इज द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर। सबसे पहले है लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, ये चेंज है। लास्ट ईयर तक यहां सिर्फ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर लिखा था, अब ये लिस्टेड वर्ड ऐड हो गया। जहां तक सवाल है लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड बॉन्ड्स, लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। देन पहले यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड होता था, अब इसको कर दिया इन्होंने यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यानी ये 12 महीने वाली लिस्ट में से डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी वो म्यूचुअल फंड जो मेनली पैसा डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, सेफ सिक्योरिटीज में लगाते हैं, उनको इसमें से हटा दिया। यूनिट्स ऑफ यूटीआई ये एज इट इज। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैंने से ये कंक्लूड करके नीचे बना लिया लिस्ट, ये वो असेट्स हो गई अब जो 36 मंथ्स के बाद लॉन्ग टर्म बनेंगी। तो इसमें ये नई एंट्री आ गई है, यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, दिस इज अ न्यू एंट्री। और अनलिस्टेड शेयर, जैसे पहले ये भी नहीं था, एक तरह से शेयर सारे उसी में 12 महीने वाली लिस्ट में चले जाते थे, ये बाकी सारा पुराना ही है। अनलिस्टेड डिबेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, इनमें कोई चेंज नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक समझने की और भी है, वो ये कि ये जो प्रोविजन आए हैं, आपको पता ही है कि अरुण जेटली सर की गवर्नमेंट जो है वो लेट बनी, क्योंकि इलेक्शंस लेट हुए, मतलब लेट क्या, जो भी टाइम था उनका। तो अब ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो मैंने भी आपको बताया, ये 11 जुलाई ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल हैं। इसका मतलब जो 10 जुलाई तक ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो गई थी गवर्नमेंट के बजट प्रोविजंस एप्लीकेबिलिटी से पहले,
उनके अंदर अभी भी वही 12 महीने का पीरियड चलता रहेगा। तो जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं और नॉन लिस्टेड शेयर हैं, अगर आपको क्वेश्चन में उनकी ट्रांसफर की डेट 10 जुलाई या उससे पहले की दी हो, यानी कि 1 अप्रैल 2014 से लेके 10 जुलाई 2014 अगर इस पीरियड की है, तो वही पुराने प्रोविजंस 12 महीने के हिसाब से ही आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से घुमा लाता हूं आपको। मेनली ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन 7 आइटम्स पे आपको ध्यान रखना है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये अब 12 महीने तक शॉर्ट टर्म मानी जाएंगी, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसकी लिस्ट को। इसमें है लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड्स, लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसके अलावा वेदर लिस्टेड और नॉट में 0 कूपन बॉन्ड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई। ये सारा 12 महीने के हिसाब से है। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट लास्ट ईयर तक टैक्स कैलकुलेशन जानते हैं, उनको पता है कि कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनमें दो बेनिफिट रहते हैं, या तो आप इंडेक्सेशन ले लो और 20% टैक्स दे दो, या आप इंडेक्सेशन छोड़ दो और 10% टैक्स ले लो। इस तरह से जो है इसके अंदर रहता है। नाउ अब ये यूटीआई म्यूचुअल फंड पे तो खैर रहा ही नहीं अवेलेबल, तो अभी ये ऑप्शन जो है वो इन 6 चीजों के लिए अवेलेबल है। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इफ सोल्ड आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज, ये मैंने क्यों लिखा है, अगर आपको ध्यान हो तो ये पॉइंट इसलिए मैंने लिखा कि लॉन्ग टर्म लिस्टेड इक्विटी शेयर तो वैसे भी एग्जेम्प्टी हो जाते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 में। मैं इसके आगे डाल देता हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आउट ऑफ सेल ऑफ इक्विटी शेयर इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 38, तो प्रैक्टिकली फिर ये पॉइंट इररिलेवेंट है। ठीक है ना, लेकिन अगर उसमें लेकिन ये रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट इज दैट शेयर्स आई मीन इक्विटी शेयर्स आर सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, ये रिक्वायरमेंट होती है। अगर सपोज स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचा है तब उसमें ये ऑप्शन रिलेवेंट है, या फिर लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लिस्टेड या 0 कूपन बॉन्ड्स, इन सब चीजों के लिए ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहेगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रोविजन जो है वो अभी 11 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहे हैं सारे शेयर्स वाले, तो इसीलिए जो यूनिट्स ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड है उन पे भी ये बेनिफिट जो है अवेलेबल रहेगा, बट कब तक, ओनली अप टू 10th of July 2014, यानी इन फ्यूचर आप इसको भूल जाओ मेनली। अच्छा, एग्जाम में भी देर इज अ हाई चांस डेट के चक्कर में नहीं उलझाएंगे और लेटेस्ट प्रोविजन 11 जुलाई के बाद का ही आपसे पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड एंड लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड 0 कूपन बॉन्ड्स, इनमें यह रहेगा कि या तो आप 20% इंडेक्सेशन के साथ टैक्स दे दो, यानी इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स दे दो, या इंडेक्सेशन को छोड़ के 10% टैक्स दे दो, विच एवर इज लेस। इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनाया है आपके लिए, उसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है, मिस्टर ए परचेज 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ बी लिमिटेड ड्यूरिंग 84-85 एट 60 per share, और इसको करंट ईयर में उसने बेचा है 700 रुपीज पर शेयर में, उसकी अदर इनकम्स है 2,50,000। ये मैंने जानबूझ के दे दिया ताकि एक तरह से मैं ये मान लूँ कि जो हमारा बेसिक एग्जेम्पशन है वो हमने यहाँ क्लेम कर लिया। नाउ कंप्यूट द टैक्स पेबल ऑन दिस ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले इसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं। तो माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स हो गई, 1000 शेयर हैं मेरे और ये बिके हैं 700 पर शेयर पे, तो 1700 में हमने बेचे, इट इज कमिंग टू 7 लैक्स। ठीक है जी, इसकी जहां तक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सवाल है, इसमें हम ले लेंगे 1000 शेयर हमने लिए थे 60 रुपये के। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेटेस्ट इंडेक्स से 1024 और डिवाइड करेंगे, अगर आप देखेंगे अपनी बुक्स में तो 84-85 का जो इंडेक्स है वो है 125, तो इसके हिसाब से मेरा जो इंडेक्स्ड कॉस्ट आ रही है इसकी 60,000 × 1024 / 125, इट इज कमिंग टू 491,520। ठीक है, सो दिस इज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 2,08,480।
अब जो हमारा टैक्स पेएबल है इस ट्रांजैक्शन पे, जैसे मैंने आपको कहा, वो होगा लोअर ऑफ द टू। लोअर ऑफ द टू का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर वन क्या है, आई शुड राइट इन द एग्जाम ऑल्सो ऑप्शन वन, कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 2,08,480, एक तो मैं इसका ले लूँ 20%, ठीक है जी, इसका 20% आ गया 41,696, ठीक है। और मेरे पास ऑप्शन टू क्या है, ऑप्शन टू आ रही है मेरे पास कि मैं इंडेक्सेशन ना लूं और सीधा सीधा दे दूं, तो मेरा जो 7 लाख रुपए जो है इसका सेल कंसिडरेशन है, और अगर इंडेक्सेशन ना लूं तो इसकी कॉस्ट आ रही है 60,000, तो उसके हिसाब से 7 लाख माइनस 60,000, माई आंसर इज 6,40,000, और इस पे मुझे 10% टैक्स देना है, विच इज़ कमिंग टू 64,000। अपने को लेना है लोअर ऑफ द टू, राइट, अपने को लेना है लोअर द टू, तो यानी कि इंडेक्सेशन लेके या तो 20% टैक्स दे दो, या बिना इंडेक्स के 10%। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंडेक्सेशन लेने में फायदा है, और 20% टैक्स देके भी फायदा पड़ रहा है, बिकॉज इट इज कमिंग टू 41,696। सो टैक्स पेबल ऑन दिस ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू 41,696, ठीक है जी, दैट्स ऑल। बाकी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बताएंगे अमेंडमेंट्स क्या आई हैं कैपिटल गेन में, तो ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि अब जो ये बेनिफिट है, ये इन 6 आइटम्स की जो लिस्ट है, इन पर ही बेनिफिट ये वाला अवेलेबल है, जो मैंने बताया कि भाई 20% टैक्स दे दो, इंडेक्सेशन बेनिफिट ले लो, या इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़ दो, 10% टैक्स दे दो। दिस बेनिफिट इज फॉर दीज 6 एसेट्स, और 12 महीने वाली लिस्ट में एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। ये है आपकी 12 महीने वाली लिस्ट, इसको भी ध्यान रखिएगा कि अब लेटेस्ट प्रोविजंस असेसमेंट ईयर 15-16 के हिसाब से 12 महीने का जो कंसेप्ट है वो इन 7 आइटम्स पर अवेलेबल है, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 0 कूपन बॉन्ड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई। आई होप इट इज ऑल क्लियर, और फिर भी डाउट हो तो नंबर्स मेरे पास, सॉरी आपके पास, हाँ मेरे पास भी आपके नंबर हैं और आपके पास भी मेरे नंबर्स हैं, तो वी कैन बी इन टच, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।